नई कोरोना गाइडलाइन आज से लागू होगी। इसकी पालना कराने के लिए झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति परिसर में एसडीएम अनूप सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। एसडीएम ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाई जाएगी। उन्होंने दुकानदारों व पब्लिक से गाइडलाइन की पालना के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी की। उन्होंने कहा कि बिना सूचना के शादी का आयोजन करने पर जुर्माना ठोका जाएगा। एसडीएम ने भी कहा कि ऑटो में 50% सवारियाँ बैठ सकेंगी। डीसीएम और डॉक्टर गोपी चंद जाखड़ ने बताया कि क्षेत्र में 17 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। ऐसे में बाहर से आए लोग होम आइसोलेट की सख्ती से पालना करें। इस दौरान तहसीलदार कपिल उपाध्याय, ट्रेनी आरपीएस जिज्ञासा पुनिया, सीआई सुनील शर्मा आदि मौजूद थे। हम सभी को मालूम है और साथ में वैज्ञानिकों ने यह राय व्यक्त की है कि कोरोना की जो सेकेंड लहर है वो प्रथम लहर से अधिक घातक है, अधिक खतरनाक है। कोरोना की सेकंड लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करने के लिए, उस गाइडलाइंस को जनता तक पहुंचाने के लिए और हमने आज शहर के गणमान्य नागरिकों को, व्यापार मंडल और सारे ब्लॉक लेवल अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की गई थी। देखिए, जो भी व्यक्ति सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और हम भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो व्यक्ति भी कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमारा प्रथम चीज़ ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, हमको ये समझनी चाहिए कोरोना की वैश्विक महामारी है, अगर जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हमको इससे काबू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरी आप सब लोगों से अपील है, जुर्माना इसका समाधान नहीं है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप कानून पालना करें, अगर पालना करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इससे बच सकेंगे। फिर भी अगर शिकायत है, अगर आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई है वो गलत तरीके से हो रही है, आप हमें बता सकते हैं, हम इस पर कंट्रोल करेंगे और इसे बेहतर करेंगे। और जनता को मैं अपील भी करना चाहूँगा, कृपया बाहर जब भी जाएं, नो मास्क नो मूवमेंट। अगर बाहर जाएं, कोई मूवमेंट करें तो मास्क अवश्य पहनें और जो गाइडलाइंस है उसकी पालना कराएं। उसी प्रकार से मार्केट में जो ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, सरकार ने ये नारा भी दिया है नो मास्क नो सर्विस, कोई भी ग्राहक है वो मार्केट में जा रहा है कोई सामान लेने के लिए तो मास्क लगा कर जावे। दुकानदार भी ये देखे, कोई अगर ग्राहक मास्क लगा के नहीं आया है तो उसको सामग्री देने से मना करे, समझाए उसको, ताकि जो सरकारी गाइडलाइंस है इनकी पालना हो सके और कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन है जो कि अधिक खतरनाक बताया जा रहा है, हम उससे अपने स्तर तक लड़ने में कुछ सक्षम हो सकते।